लेजी आई क्या होता है, क्यों होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करें, इन सारी क्वेरीज को इलैबोरेट करके मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आगे बढ़ने से पहले आप हाउ टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स विजन ज़रूर देखें, सो दैट आप लेजी आई की गहराई तक जा सके और लेजी आई को और भी अच्छे से समझ पाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेजी आई के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप घर पे ही कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नम्रता, प्रैक्टिसिंग ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट विजन। अगर आपके आंखों में लेजी आई का डायग्नोसिस हुआ है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपके मन में ये सवाल आएगा कि आपकी आंखें कभी ठीक होंगी भी कि नहीं। थैंकफुली आजकल काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप घर पे ही कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो डेफिनेटली आंखों में इम्प्रूवमेंट पाई गई है। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात बता दूँ आपको, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, कि ट्रीटमेंट का आउटकम तभी अच्छा होता है जब आँखों को 8 से 9 साल की उम्र के पहले ट्रीट किया जाए, जब ब्रेन में न्यूरोनल कनेक्शन डेवलप होने की कैपेसिटी होती है, ट्रेनिंग लेने की क्षमता होती है, जब ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है और नई चीज़ें सीख सकता है। 10 से 12 साल के बाद ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होता है, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो हम एसेस करते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो 90% बच्चों में पाई गई है वो है रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको चश्मा पहन के करेक्ट किया जा सकता है। बच्चे को अगर नियर साइटेडनेस है, जिससे कि वो नज़दीक की चीज़ें तो देख पा रहा है पर दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं, और इस कंडीशन को हम मायोपिया बोलते हैं, जिसको माइनस नंबर के लेंसेस करेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर बच्चे में फार साइटेडनेस है, जिससे कि वो दूर की चीज़ें देख पा रहा है पर नज़दीक की चीज़ें उसको धुंधली नज़र आ रही हैं, और इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, जिसको हम प्लस नंबर के लेंसेस से करेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर बच्चे में अस्टिगमेटिज्म है, जिससे कि उनको चीज़ें एक डायरेक्शन में कम नज़र आ रही हैं, तिरछी नज़र आ रही हैं, तो इस कंडीशन को हम सिलिंड्रिकल लेंसेज से करेक्ट कर सकते हैं। तो इन रिफ्रैक्टिव एरर्स को चश्मे से करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को साफ दिखे। अगर हम इसको 8 से 9 साल की उम्र से पहले करेक्ट नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर उनकी आँखों की रोशनी कम ही रह जाती है, और इस कंडीशन को नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया का। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया के बाद नेक्स्ट कंडीशन आता है विजुअल डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया। देखिए, अब ब्रेन में इमेज बनने के लिए जो लाइट रेज निकलती है किसी भी चीज़ से, सबसे पहले काली पुतली पे गिरती है, फिर लेंस पे, फिर रेटिना, और फिर ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन में इमेज बनता है। अब इस लाइट पाथवे में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो ब्रेन में इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और आंखें लेजी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, पल्कोमेटोसिस, काली पुतली में कोई दाग, लेंस में मोतिया, रेटिना में कोई प्रॉब्लम, या तो फिर ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन है तो इसको सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट अर्ली एज में ही करवाना पड़ेगा, सो दैट आँखों के अंदर रोशनी जाए और आँखें लेजी होने से बच जाए। तीसरा कंडीशन है स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया। इस कंडीशन में भेंगापन या क्रॉस आई होने की वजह से आँखें लेजी हो जाती हैं, तो भेंगापन को प्रिज्मैटिक ग्लासेस से या तो फिर सर्जरी से करेक्ट करवा लेना अच्छा रहता है, वो भी अर्ली एज में, सो दैट फ्यूचर में एम्ब्लायोपिया या लेजी आई ना हो। तो ये तो हो गए थोड़ी बहुत प्रिवेंशन के बारे में बातें। आगे बढ़ते हैं लेजी आई के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहला हो गया चश्मा। अगर चश्मे से फुल 6-6 विजन नहीं आता है तो हम एडवाइस करते हैं पैच या ऑक्लूजन थेरेपी। इस थेरेपी में नॉर्मल आई को 2 से 3 घंटे रोजाना पैच किया जाता है, सो दैट जो वीक आई है उसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो और वो नॉर्मली देख पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही आंखें वीक होती हैं। अगर ऐसा है तो हम अल्टरनेट आई पैचिंग एडवाइस करते हैं, जिसमें कि
एक दिन राइट आई को पैच किया जाता है, नेक्स्ट डे लेफ्ट आई और थर्ड डे फिर से राइट आई एंड सो ऑन। याद रहे, अगर आपको चश्मा एडवाइस किया गया है तो चश्मे के साथ ही आपको आई पैच करना है, ना कि चश्मा उतार के। इस पैच थेरेपी के दौरान हर 3 महीने में विजन एसेस किया जाता है और थेरेपी तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ना हो जाए। पैच करने का सही तरीका क्या है? पैच आपको चश्मे के ऊपर नहीं लगानी है, इसको डायरेक्ट आंखों के ऊपर लगानी है और फिर चश्मा पहनना है। पैच का एज प्रॉपरली सील होना चाहिए सो दैट नॉर्मल आई कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, उसमें थोड़ा सा भी लाइट घुस ना पाए, अदरवाइज पैचिंग का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। पैचिंग स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है रोज विदाउट एनी ब्रेक। 2 से 3 घंटे का कंटिन्यूअस पैचिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लिया, नो। सुबह हो या शाम को हो, कंटिन्यूअस 2 to 3 hours ऑफ पैचिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड रेगुलर चेकअप, जब भी आपको नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाया गया हो, विदाउट एनी फेल आपको जाना ही जाना है ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पैचिंग रेजिस्ट करते हैं क्योंकि कमज़ोर आँख में पुअर आई साइट की वजह से उनको बराबर नहीं दिखता है। दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि ये थेरेपी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, कभी कभी 2 से 3 साल भी लग जाते हैं, तो इस दौरान वो बोर हो जाते हैं, उनके लिए पैचिंग मोनोटोनस हो जाता है और वो पैच करना छोड़ देते हैं। कई बार बच्चों के लिए ये सोशल स्टिग्मा बन जाता है, उसको स्कूल में बाहर दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं, तो बच्चे अपनी आँख पैच करना ही नहीं चाहते हैं। तो सल्यूशन क्या है इस चीज़ का? अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फन पैचेस अवेलेबल हैं विद कार्टून डिज़ाइंस, लाइट्स एंड कलर्स। आप पैचेस चेंज करते रहें सो दैट उनका एक्साइटमेंट बना रहे। आप घर पे ही वेरियस डिज़ाइंस के पैचेस भी सिलवा सकते हैं। पैचिंग के दौरान आप उन्हें अपनी पसंदी का काम करने दें, जैसे कि टीवी पर कार्टून्स देखने दें, वीडियो गेम्स, पेंटिंग, या तो फिर फन फील्ड आई एक्सरसाइजेस करें उनके साथ। इनिशियली पैचिंग का ड्यूरेशन कम रखें और धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाएं। हो सके तो पैचिंग आप घर पे ही करें, पैच करके बाहर ना जाएं, इससे बच्चे का सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहेगा। जैसे ही बच्चे के कमज़ोर आँख में विजन बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे वो पैच भी एक्सेप्ट करने लगेगा। अगर ये सारे टेक्निक्स फेल हो रहे हैं, बच्चा बिल्कुल पैच लगाना ही नहीं चाहता, तो ऐसे कंडीशन में हम एट्रोपिन आई ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल आई में रेगुलर इंटरवल में डाला जाता है सो दैट नॉर्मल आई का विजन कम हो जाए और वीक आई देखना चालू कर दे। पर इसको डॉक्टर के गाइडेंस में ही डालें, खुद से ना डालें, क्योंकि ओवर यूज़ नॉर्मल आई के लिए डेंजरस हो सकता है। जब इससे भी आँख ठीक नहीं होता है तो बच्चे को विजन थेरेपी एडवाइस किया जाता है। बच्चे अपनी वीक आई को यूज़ करके कुछ कलरफुल गेम्स खेलते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है। घर पे आप कुछ कलरफुल दाल और चावल मिक्स करके बच्चे को दे दो और उसको अलग अलग करने को बोल सकते हो, या फिर कलरफुल बॉल्स सॉर्ट आउट करने को दे सकते हो। आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, उस ऐप को यूज़ करके आप विजन थेरेपी घर पे ही कर सकते हो। कोई अगर ऐसा कंडीशन है जिसको सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है तो उसको भी अर्ली एज में करवा लेना बेटर रहता है सो दैट बच्चे को फ्यूचर में लेजी आई या एम्ब्लायोपिया ना हो। इन सब ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ आई एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप घर पे ही कर सकते हो अपना विजन इम्प्रूव करने के लिए। इन आई एक्सरसाइजेस को कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, उसके लिए मैंने डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप उसको ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा हो जाएगा। डिफरेंस बस इतना रहेगा कि आपको नॉर्मल आई बंद करना है और एक आँख जो कि लेजी है उससे ये एक्सरसाइज करनी है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। बड़ों में लेजी आई के ट्रीटमेंट के लिए आई एक्सरसाइजेस के साथ बाइनोकुलर विजन थेरेपी बेस्ट रहता है। रीसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि डार्कनेस में विजन थेरेपी बड़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, बट इसका फुल रिसर्च होना अभी बाकी है।
तो इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से एम्ब्लायोपिया या लेजी आई को हम स्टेप वाइज अप्रोच से ट्रीट कर सकते हैं, ग्लासेस फॉलोड बाय पैच थेरेपी, विजन थेरेपी, सर्जरी एंड आई एक्सरसाइजेस। साथ में ही आपने जाना कि आप घर पे लेजी आई के लिए क्या कर सकते हैं और इसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको लेजी आई है तो फटाफट मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप एन आई ऑन परफेक्ट विजन चैनल फॉर योर परफेक्ट विजन।